देखिए ये जो स्टैंडर्ड है ये बेसिकली डील करता है प्रोविजंस को। मेनली तो उसका जो एजेंडा है ना वो प्रोविजंस को डील करना है, साथ साथ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज को भी डील करता है और कॉन्टिजेंट एसेट्स को भी डील करता है। ठीक है, अब सबसे पहले तो स्टैंडर्ड का जो है वो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ, ऑब्जेक्टिव में स्टैंडर्ड का ये बताया हुआ है कि भाई ये स्टैंडर्ड का पर्पस क्या है। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू इंश्योर दैट अप्रोप्रिएट रिकग्निशन क्राइटेरिया एंड मेजरमेंट बेसिस आर अप्लाइड, यानी कि प्रॉपरली प्रोविजन को रिकग्नाइज करें और उसको प्रॉपरली मेजर करें, ये एजेंडा है। दैट सफिशियंट इंफॉर्मेशन इज डिस्क्लोज इन द नोट्स टू इनेबल यूजर टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ प्रोविजन, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, इट्स टाइमिंग एंड अमाउंट। अब इसमें मेनली जो ना लाइबिलिटी, ये बेसिकली मेनली लाइबिलिटी से बेस कर रहा है ना स्टैंडर्ड, किस पर डिपेंड कर रहा है, लाइबिलिटीज पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर आप लाइबिलिटीज बुक करते हैं तो लाइबिलिटीज बुक करने से साथ एक्सपेंस भी बुक होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम प्रॉफिट को अंडरस्टैंड करने के लिए, अंडरस्टेट करने के लिए जानबूझ के प्रोविजन बना दें ताकि प्रॉफिट को कम कर दें और जब बढ़ाना हो तो बढ़ा दें। तो स्टैंडर्ड बड़ा स्ट्रिक्ट है इस मामले में कि आप अपनी मर्जी से प्रोविजन नहीं बना सकते। प्रोविजन आपको बनाना है तो प्रोविजन बनाने के लिए आपके पास सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखी हुई हो पूरी होना जरूरी है। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले डायरेक्टर्स अपनी मर्जी से प्रोविजन बनाते थे, अपनी मर्जी से खत्म कर देते और वो बेसिकली मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल होते, मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल करते थे अपनी मर्जी से। तो स्टैंडर्ड ने कहा कि भाई इस तरह से प्रोविजन नहीं बनते, अगर प्रोविजन बनाने हैं तो आपको एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना जरूरी है, अगर वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा तो प्रोविजन बनेगा वरना आप प्रोविजन नहीं बना सकते। अच्छा, दूसरी चीज ये बात ध्यान में रखना कि अलाउंस और प्रोविजन में फर्क होता है। एक बेसिक सा मैं आपको तरीका बता देता हूँ पकड़ने का। अलाउंस जो बनाए जाते हैं ना वो एसेट्स के अगेंस्ट बनाए जाते हैं, और प्रोविजन जो बनाए जाते हैं ना वो कभी एसेट्स के अगेंस्ट नहीं बनाए जाते, प्रोविजन लाइबिलिटीज के अगेंस्ट बनाए जाते। ठीक है, तो अगर लाइबिलिटी होगी तो प्रोविजन बनेगा ना, लाइबिलिटी नहीं होगी तो प्रोविजन नहीं बनेगा। अब देखें डेफिनेशंस, डेफिनेशन ऑफ प्रोविजन, अ प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी, यानी कि प्रोविजन लाइबिलिटी के लिए बनाया जाता है, और प्रोविजन क्योंकि लाइबिलिटी के लिए बनाया जाता है तो इटसेल्फ खुद भी लाइबिलिटी होगा ना, तो प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी, यानी कि लाइबिलिटी के बिहाफ पे बन रहा है। कौन सी लाइबिलिटी? अब कुछ लाइबिलिटीज ऐसी होती हैं जो सर्टेन होती हैं, कुछ लाइबिलिटीज ऐसी होती हैं जो सर्टेन होती हैं, कुछ लाइबिलिटीज ऐसी होती हैं जो अनसर्टेन होती है। प्रोविजन किस लाइबिलिटी के लिए बनता है? जिसकी या तो टाइमिंग अनसर्टेन होगी या अमाउंट अनसर्टेन, यानी कि मुझे ये नहीं पता कि मुझे अपनी लाइबिलिटी को पे ऑफ तो करना है लेकिन कब पे ऑफ करना है, या मुझे लाइबिलिटी को पे ऑफ करना है टाइमिंग का तो पता है लेकिन अमाउंट का नहीं पता कब पे ऑफ करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बैंक से लोन लिया, अब लोन लेना इज अ लाइबिलिटी, लेकिन मुझे पता है मुझे 10 साल के बाद लोन वापस करना है, 1 लाख का लोन वापस करना है, तो ये लाइबिलिटी तो है लेकिन इसका प्रोविजन नहीं बना सकते क्योंकि इसकी टाइमिंग भी सर्टेन है और अमाउंट भी सर्टेन है। तो प्रोविजन एक ऐसी लाइबिलिटी का बन सकता है जिसकी या तो टाइमिंग अनसर्टेन हो या अमाउंट अनसर्टेन हो या दोनों ही अनसर्टेन हो। इज दैट क्लियर? जी सर, अब वो कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिसका प्रोविजन बनता है? तो बिजनेस में एक बड़ा कॉमन सा प्रोविजन बनता है, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर वारंटी, वारंटी का प्रोविजन बनता है। अब वारंटी जब एक कंपनी देती है तो वारंटी देने से कंपनी के ऊपर लायबिलिटी आती है, लेकिन ये पता नहीं होता कि कितना का क्लेम आएगा, कब क्लेम आएगा, तो टाइमिंग भी अनसर्टेन होती है और अमाउंट भी अनसर्टेन होती है। अब आगे बढ़ते हैं, जब हमने लायबिलिटी की बात की ना तो लायबिलिटी की डेफिनेशन भी देखनी पड़ेगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि लायबिलिटी की डेफिनेशन मीट होना बहुत जरूरी है।
लायबिलिटी क्या होती है? अ लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन होनी चाहिए एट प्रेजेंट, और वो किसी इवेंट की वजह से आई होगी जो पास्ट में हो चुका, और जब हम उसको सेटल करने जाएंगे तो एक आउटफ्लो होगा हमारी पॉकेट से। यानी कि तीन चीजें हो गई, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट और सेटलमेंट ऑफ विच रिजल्ट इन एन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। अच्छा, अब इसके अंदर वर्ड इस्तेमाल हुआ है ऑब्लिगेशन का, और ऑब्लिगेशन से रिलेटेड इवेंट, पास्ट इवेंट का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो ऑब्लेटी ऑब्लिगेटिंग इवेंट जो होता है ना वो आपके लिए लायबिलिटी क्रिएट करता है। तो वो जो ऑब्लिगेटिंग इवेंट होता है ना वो या तो लीगल ऑब्लिगेशन या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा। अब लीगल ऑब्लिगेशन भी लायबिलिटी होती है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन भी लायबिलिटी बनेगी, तो ये लीगल ऑब्लिगेशन कैसे पता लगेगा, कंस्ट्रक्टिव का कैसे पता लगेगा? तो लीगल ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन, लीगल ऑब्लिगेशन एक ऐसी ऑब्लिगेशन होती है जो ड्राइव होती है किसके जरिए, कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, एग्रीमेंट के जरिए। मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गई तो मेरे ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन आ गई, या कोई लॉ बना हुआ है किसी कंट्री का, लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन मतलब लॉ इनेक्ट हुआ हुआ है, वो लॉ वायलेट कर दिया आपने, वो लॉ के अगेंस्ट चले गए, या कोई और ऑपरेशन ऑफ लॉ अदर देन लेजिस्लेशन, अगर इनमें से किसी चीज की वायलेशन होगी तो हमारे ऊपर क्या आएगा, लीगल ऑब्लिगेशन आएगा। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्या होती है? अच्छा, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, मजे की बात ये कि कोई ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं होती कि आपके खिलाफ कोर्ट में चला जाएगा, इसी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्लिगेशन, एक ऐसी ऑब्लिगेशन जो ड्राइव होती है एंटिटीज के एक्शन से, और वो एक्शन क्या होते हैं, किसी पास्ट प्रैक्टिसेस से, किसी पब्लिश पॉलिसी से, या किसी स्टेटमेंट से जो इस बात को साबित करे कि ऑर्गेनाइजेशन ये काम लाजमी करेगी, ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ऊपर लाइबिलिटी एज्यूम कर ली। एज ए रिजल्ट द एंटिटी हैज क्रिएटेड अ वैलिड एक्सपेक्टेशन दूसरों के लिए कि भाई हम अपनी लाइबिलिटी पूरी करेंगे लाजमी। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है वो जिस कंट्री में ऑपरेट करती है वहां पर कोई इन्वायरमेंटल लॉ नहीं है। अब कंपनी जब चाहे इन्वायरमेंट की वायलेशन करे, कोई केस तो नहीं हो सकता कंपनी के ऊपर, कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं है, लेकिन कंपनी ने अपने प्रीमिसेस में, अपने स्टेटमेंट्स में हर जगह ही लिख के लगाया हुआ है कि वी आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन। तो इस स्टेटमेंट से क्या बात साबित हो रही है? लीगल ऑब्लिगेशन नहीं, क्योंकि लीगल ऑब्लिगेशन तो एग्रीमेंट और लॉ से आती है, तो कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई लॉ नहीं है। ये जो हमारा पब्लिश स्टेटमेंट है ना कि हम जी,